तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं चार्ट के ट्रिक्स के ऊपर। तो दो तीन मैं आपको बना के बताऊंगा, दो तीन आपको बना के मुझे बताना है। तो यहां सबसे पहले हम आते हैं कि क्या होता है त्रिकशा। अब जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक सेल्स मतलब कि सेल्स का डेटा है, एक सिंपल सा, बस यहां पे लिखा हुआ है 20%। अब मैं इस 20%, सिर्फ 20% है, इसको चार्ट में कैसे दिखाएं? जी हाँ, चार्ट में हम कैसे दिखाएं ओनली फॉर 20% को? इसके कई सारे फीचर्स हैं। जैसे मैं यहां पे कर देता हूं हम यहां पे इक्वल 100% माइनस 20% और यहाँ पे 100%, ये तीन चीज ले लेता हूं और फिर इंसर्ट करता हूं। ये जो हमारा चार्ट होता है इस पे, ठीक है। अब इसको करने के बाद थोड़ा सा इसमें ये भी ले लेता हूँ, इसी को ले लिया, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये जो परसेंटेज से दिख रहा है फिलहाल, तो इसको डिलीट कर देता हूँ। राइट क्लिक करता हूं और जाता हूं फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल में जो एंगल है ना, ये जो एंगल दिख रहा है, इसको 270 डिग्री पे मूव करता हूं। फिर जो नीचे वाला पार्ट आ रहा है, नीचे वाला पार्ट, इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेटिंग में फिल में नो फिल कर देता हूं। 80 डिग्री हो गया सर। इस वाले पार्ट को मैं फिल में कर देता हूं सॉलिड और इसमें कर देता हूं ब्लैक। इसको सिलेक्ट करता हूं और सॉलिड फिल, गलती हो गई, मैं इसको सिर्फ करना है, नीचे वाले को सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ इसको करना है। और इसको हम यहां से सॉलिड फिल लेते हैं और इस ब्लैक की जगह पे हल्का सा ग्रे ले लेते हैं। और इसकी लाइनिंग दिख रही है बॉर्डर में, मैं इसको नो लाइन कर देता हूं और इसको भी सिलेक्ट करके नो लाइन। ठीक है सर। सर इसमें अगर हम नीचे 100% जो आपने डेटा में लिया है वो ना लेंगे तो फिर कैसा चार्ट आएगा? वो ना लेंगे तो बात ये है ना सर कि हमें इसको 380 डिग्री पे 80 डिग्री पे लेना है, दिख रहा है सर? तो 180 डिग्री पे पूरा, तब वो पूरा 360 में आएगा। हाँ, अगर मैं 100 हटा देता हूँ तो गोल आएगा। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से आपको दूसरे तरीके से यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ, पाई चार्ट ही ले लेता हूँ, इस बार पाई चार्ट ले लेता हूँ, पाई चार्ट ले लिया। अब जैसे आधा का पार्ट ही हो गया, आधा में दो हो गया, दिख रहा है? दो पार्ट में मैं चाहता हूँ कि 100% दिखे, से यहाँ पे देखना कि हाँ भाई 20% हुआ है। यहाँ पे अगर 60-30 करता हूँ तो बढ़ता है, 40 करता हूँ तो बढ़ता है, दिख रहा है ना? 90, तो एक तरह से दिख रहा है। यहाँ पे मैं 100% डाल दूंगा, 0% यहाँ पे 100% डाल दूंगा। उसी तरीके से मैंने इसको लिया, तो मुझे क्या करना है कि इसको 360 डिग्री में चाहिए ना, ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा ना सर। अगर 100% ना लेता तो इस तरह से दिखता, फिर 20% लेता तो पूरा दिखता, कोई मतलब ही नहीं था। तो इसको मैं 270 डिग्री के एंगल में मूव किया, ताकि क्या हुआ कि जो ये जो 50% जो है वो नीचे की तरफ आ गया। तो मैं इसको हटा नहीं रहा, बस इसको विजुलाइज मैंने कि कर रहा हूँ, विजुलाइज कर रहा हूँ, अनविजुलाइज कर रहा हूँ, क्या बोलते, समझ लीजिए बात को, समझ गया, कर दिया, ठीक है, अनविजिबल हो गया, बट एक्चुअल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, है। अभी वो तो समझ गया था। हाँ, ये आपको 360 डिग्री पे आ गया, आ गया सर, 360 नहीं 180 डिग्री पे आ गया। आगे देता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट किया। अब इसकी अब ये कर सकते हैं कि मैं रेड कर देता हूं इसको, अब अपने हिसाब से कलर देना है, कि मैंने इसको रेड कर दिया और कर देता हूं। तो
जिस तरह का आपका चार्ट का बिहेव है उस तरह से बिहेव कर दीजिए, और इसकी बॉर्डर हटा दीजिए ताकि बीच में जो लाइनिंग दिख रहा है ना वो लाइनिंग ना दिखे। इस पे जो है यहां से आपके सामने ऊपर इसको सेलेक्ट कीजिए, ऊपर आपका फॉर्मेट आता है, अब फॉर्मेट में यहाँ आपका टेक्स्ट बॉक्स आता है, तो चार्ट के साथ कुछ लिखना है तो टेक्स्ट बॉक्स के जरिए लिखिए 0। इसको यहाँ पर चार्ट के साथ फिक्स हो जाता है सर, बाहर से लेंगे ना इंसर्ट से लेंगे तो फिर चार्ट के साथ फिक्स नहीं होगा। फिर यहाँ पे मैंने कर दिया 100%। और ज्यादा बेटर बनाना चाहते हैं तो यहाँ 50% लिखें और इसको ऊपर में दे दीजिए। ठीक है सर, बेटर है। 20, 30, 50, 60, 70 राइट सर। अब इसको और तरीके से क्या देखा जा सकता है? जी हाँ, और तरीके भी दिए जा सकते हैं इसमें। तो और तरीके क्या हो सकते हैं? और तरीके यहां पे हो सकते हैं जैसे कि यहाँ पे 20% हमने दे दिया, अब यहाँ पे 100% कर देता हूँ, यहाँ पे 100% कर देता हूँ, चारों को सेलेक्ट कीजिए और यहां आपके सामने कॉलम चार्ट में ए जो होता है ना चार्ट, इसको ले लीजिए। ठीक है, लेने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करके यहां डालता हूं ताकि एक लाइन बन जाए, ऐसे नहीं बनता लेकिन अब एक लाइन बन गया यहां। अब इस तरह से इसको बड़ा करता हूं, जो है सीरीज वीज ए जो लिखा हुआ है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर दिया। चार्ट टाइटल को भी हटा दीजिए, रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक मिनट, एक दिक्कत और होगी इसमें, इसकी जो एक्सिस है ना, जो एक्सिस हटा दी है, इस एक्सिस को आप यहाँ पे फिक्स कर दीजिए, यहाँ 0 से 100 पे। ये दिक्कत होता है, 0 to minimum 0 maximum 100 और यहाँ पे मैंने 10 का 100 में 1%। और यहाँ का यहाँ मेजर आप 10 दे दीजिए ताकि चेंज हो, 0.10 करना पड़ेगा। आगे सर, अभी लाइनिंग में हटा देता हूँ और इसको भी यहां से हटा देता हूँ चार्ट टाइटल को। इसमें खास क्या है? अब खास होगा, खास क्या होगा अभी मैं आपको दिखाता हूं। मैंने यहाँ इंसर्ट में गया और यहाँ पे हमारे शेप्स हैं, शेप्स में आया और हमने ए वाली शेप्स को पकड़ा और ड्रैग कर दिया। इसका जो बैकग्राउंड कलर है, चलिए इसका जो बीच का कलर है उसको कर देता हूँ नो फिल, और इसकी जो आउटलाइन कलर है उसको रेड कलर कर देता हूँ, थोड़ा सा इसकी आउटलाइन को मोटा भी कर देता हूँ, थोड़ा सा विड्थ बढ़ा देता हूँ तो अच्छा दिखेगा। ठीक, अब मैं इसको कॉपी किया और इसको सेलेक्ट किया, जो ये है ना सिंगल, इस पर दो बार क्लिक कीजिएगा धीरे धीरे, फिर फॉर्मेट एक्सिस पॉइंट यहाँ पे आया, फिल पिक्चर्स में, और यहाँ पे मैंने क्लिपबोर्ड ले लिया। एक छोटा सा दिक्कत हो गया सर, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। हमने जो लिया था ना, ये दो पॉइंट करना था ना सर, पॉइंट
पढ़ना था। इसको यहां से मुझे डिलीट कर देना था, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहां जो ओवरलैप है, इस ओवरलैप को मेन आप नहीं चाहिए यार, और यहाँ पर ये चार्ट से जरूरत, हाँ ए वाली चार्ट चाहिए। मैं चार्ट ही गलत ले ली थी, भूल गया था समय। उसके बाद ए जो पॉइंट है इसको सेलेक्ट करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सॉरी, दोनों डिलीट हो गया। ये जो पॉइंट है आपका, इसको हटा के मैं यहाँ रख देता हूँ, ताकि दोनों इस तरह से आए। ठीक है ना सर, मुझे दोनों इस तरह से चाहिए, लेकिन अलग अलग हो जाता है, इसलिए मैंने 100 को लेना पड़ा। अब 100 को डिलीट कर सकता हूँ आसानी से। अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों को ओवरलैप कर देना, एक के ऊपर एक चढ़ा देना। तो इसमें अब ओवरलैप काम करेगा, देख लेना ओवरलैप हो रहा है, 100% ओवरलैप कर दी, हो गया सर। अब मैं एक्सिस को लेता हूं और इस एक्सिस को ऑटोमेट कर देता हूं मैक्सिमम यहां पे। लाइनिंग को हटाता हूं। अब जो है हम जो उस अब कर रहे थे ना काम इंसर्ट वाला, अब करेंगे सर। यहाँ पे ये लेते हैं इसको, बॉक्स को ड्रैग कर दिया, थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। हाँ, इसकी बैकग्राउंड कलर नोफिल, वाइट मत कीजिएगा, नोफिल कीजिएगा। और इसकी सैप कलर में दे दिया रेड, और यहाँ पे थोड़ा सा मोटा कर दिया। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ये जो चीजें दिख रही है ना, ये ऊपर वाले, इस पर राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट डेटा सीरीज, और इसके फिल में पिक्चर्स और क्लिपबोर्ड क्लिक कर देता हूँ। आ गया। अब मैं यहाँ, अब देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, मैं इसको 1 पे आ जाता हूँ, ये पीछे चला गया, 1 करते हैं सीरीज के फॉर्मूला से। ये पहले पॉइंट पार्ट पे आ गया। अब मैं वापस इस पे आता हूँ और इसका क्या करता हूँ कि बॉर्डर नो फिल कर देता हूँ। इसमें कलर सेम, जो जिसका बॉर्डर था ना, सेम रेड कलर मैंने कर दिया, बॉर्डर हटा दिया, कलर रेड कर दी। अब मैंने इसको कॉपी किया और इसको सिलेक्ट किया, पिक्चर्स में गए और इसको क्लिपबोर्ड कर दिया। बोल रहे हैं शिवम जी, शिवम जी? हाँ जी सर, समझ में आ रहा है। अच्छा है कि नहीं सर? हाँ, इसको फिल चार्ट की तरह इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, ऐड डेटा लेबल, लेबल ऐड कर दीजिए, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। क्या परसेंटेज है या नंबर है, जो भी है आप कर सकते हैं इसका। एक पर्टिकुलर सी परसेंटेज के ऊपर मैंने आपको 3 तरीके का चार्ट समझाया, पहला चार्ट, दूसरा चार्ट, तीसरा चार्ट। क्या बोल रहे सर? को बोलता है त्रिक्स चार्ट। क्लियर है? अब आप लोगों को एक चार्ट रिसर्च करके बनाना है, नोट कीजिए सर। मेरे पास डेटा है मेल एंड फीमेल का, तो
ये आपका 30 male है और 40 female है, मान नहीं अतः 70 female है। तो मुझे इस पे कोई चार्ट बना के बताइए, मेल फीमेल चार्ट बना के बताइए। अब मेल फीमेल चार्ट होता कैसा है, तो चलिए एक गूगल पे हम आपको सर्च करते हैं। हालांकि इसके रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है, लेकिन पहले बनाया था सर, मेल मेल चार्ट, मेल फीमेल चार्ट होता है यहाँ पे। दिख रहा है सर ये? तब हाँ जी, ये चार्ट बना के बताइए सर, या इस तरह का चार्ट है ये बना के बताइए। ये आपका टॉपिक है, रिसर्च कीजिए और बनाइए सर। आज के लिए इतना ही सर, क्योंकि आज मेरा इंटरनेट नहीं चल